माँ परमेश्वर में विश्वास करने के बाद बहुत बदल गई हैं। मेरा ख्याल है उनकी सोच और चीजों के बारे में उनका नजरिया भी बदल गया है। उनका चीजों को देखने का तरीका दार्शनिक और समझ ज्यादा गहरी हो गई है। कुछ दिन पहले हमारे गांव से परमेश्वर में विश्वास करने वाले कुछ लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। चीफ माँ ने मुझे आपको पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जाने के लिए मजबूर किया था। सीसीपी एक नास्तिक पार्टी और परमेश्वर में विश्वास करने की अनुमति नहीं देती। वे खासकर घरों में निजी सभा की अनुमति नहीं देते हैं। ये एक राष्ट्रीय नीति है। अपने घरों में निजी सभा करना सरकार के खिलाफ है। अशांति पैदा करना हत्या के अपराध से भी अधिक गंभीर है। अब मैं समझी कि चीनी समाज की इतनी दुर्दशा क्यों है, ये इतना अंधकारमय और बुरा क्यों है। मेरे जैसी एक बूढ़ी महिला के परमेश्वर में विश्वास करने से आप लोग इतना डरते हैं, मेरी निगरानी करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, किस बात का डर है आपको? बस करो। आप कैसे परमेश्वर के विश्वासियों को बदनाम करके उंगलियों के निशान लगाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अभी सीसीपी सरकार की चलती है, अगर उनकी नहीं सुनेंगी तो हमारी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी। अब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकती हैं। शूयिंग, मैंने इस जीवन में परमेश्वर को सजीव रूप में देखने और मानव जाति को बचाए जाने का काम करते हुए देखने का सौभाग्य पाया है। तुम कुछ भी कहो, मैं परमेश्वर में विश्वास करना नहीं छोड़ूंगी। पिताजी, इन पर नजर रखिए, वे चाहे कुछ भी कहें उन्हें आगे विश्वास मत करने दीजिए। हे परमेश्वर, समझ नहीं आ रहा इस माहौल को कैसे झेलूं। ल्यूशन, ल्यूशन। मैं बस एक डॉक्टर हूं, बीमारी का इलाज कर सकता हूं, जीवन नहीं बचा सकता। माँ, मुझे पुलिस की बात न मानकर तुम्हें परमेश्वर में विश्वास करने देना चाहिए था। माँ, मैंने तुम्हें निराश किया, मैंने तुम्हें निराश किया। इस बीमारी के दौरान मुझे कुछ चीजें एकदम साफ नजर आईं। मेरी किस्मत पर मेरा वश नहीं था। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और लोगों का जन्म, बूढ़ा होना, बीमारी और मौत सब उसके हाथों में है। इसे कोई नहीं बदल सकता है। ल्यूशन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। मैं अब तुम्हें कभी परमेश्वर में विश्वास रखने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखूंगा। आइए हम अपना बुढ़ापा खुशी खुशी एक साथ गुजारें। परमेश्वर का धन्यवाद।